हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है हिंदी की और ये वर्कशीट है आठवीं वर्कशीट जिसमें हम लोग हिंदी की बस यात्रा पढ़ रहे हैं। आठवीं क्लास की बस यात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं और डेट है 20/10/2020। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, कम से कम 500 लाइक्स आने चाहिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे हौसले को बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए तरह तरह के वर्कशीट ला पाते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हम लोग पीछे के दो तीन वर्कशीट से बस की यात्रा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें कहानी ये है कि बस को सुबह में कहीं ऑफिस पकड़ना होता है, जिसकी वजह से शाम की अंतिम गाड़ी वो पकड़ते हैं और वो काफ़ी पुरानी और जर्जर गाड़ी होती है। लेखक को विश्वास नहीं होता है कि वो चलेगी, लेकिन फिर भी वो चलती है और आगे फिर उस गाड़ी में उनके साथ क्या क्या घटित होता है इसको हम लोग देखते हैं। एकाएक बस रुक गई। बस वहाँ से चली तो ज़रूर थी पर एकाएक रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब कि उसने एक टेम्प्रोरी व्यवस्था लगा लिया, जिसको कि हम लोग जुगाड़ बोलते हैं, और जुगाड़ लगाकर वो इंजन में पाइप डालकर नली डालकर चलाने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, जो कि उसी बस में बैठे हुए थे, इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली के से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब कि यहाँ लेखक का व्यंग हो रहा है कि जो बस के हिस्सेदार हैं वो अब इंजन को गोद में रखकर और बाल्टी में जो नली डाली गई है पेट्रोल की, उसको उसके मुंह में ऐसे डालेंगे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब कि बस की रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, बस के किसी भी हिस्से पर लेखक को भरोसा नहीं था, क्योंकि सारे हिस्से बस से असहयोग कर रहे थे, वो असहयोग आंदोलन दर्शा रहे थे। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। मतलब उनके मन में एक डर बन गया था कि बस कभी भी टकरा सकती है, कभी भी उलट सकती है, और इस डर की वजह से जो बस के अगल बगल रास्ते के अगल बगल जो प्राकृतिक सुंदरता थी उसका भी वो लाभ नहीं ले पा रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि अब शायद दूसरा पेड़ आएगा और उसे टकरा जाएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब झील में कूद पड़ेगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, मतलब कि ड्राइवर ने चाहे कितना भी आदेश दिया उसने आदेश को नहीं माना, बस ने ड्राइवर के आदेश को नहीं माना, अवज्ञा किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो यही लेखक कह रहे हैं कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, मतलब कि बस अच्छी है, बस चलती है, और यह संयोग की बात है कि बस रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, क्षीण चांदनी मतलब अब शाम हो गया था, रात हो गई थी, और चांद की का जो प्रकाश था वो बहुत मध्यम मध्यम आ रहा था, तो उसी को क्षीण चांदनी मतलब कमज़ोर चांदनी का चांद का प्रकाश। वृक्षों की छाया के नीचे वो बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो, और बस जो थक कर बैठ गई थी, चलना बंद कर दी थी, तो लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे बस वैसे खड़ी होगी जैसे कोई वृद्ध औरत थक कर बैठ जाती है। हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, मतलब बस तो खुद चलने लायक तो है ही नहीं, उस पर हम भी चढ़कर आ रहे हैं, इसके लिए हमें ग्लानी हो रही थी। अगर इसका प्राणांत तो हो गया, मतलब उस बस का प्राणांत तो हो गया, एक व्यंग है, तो इस बियाबान में मतलब सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक ऐसा सोच रहे थे कि अगर ये बस मर गई तो इस सुनसान जगह पर इसकी अंत्येष्टि, मतलब इसमें आग लगाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा करना होगा, यह सोचकर लेखक अंधेरे में पड़े हुए थे। हिस्सेदार साहब कौन? बस कंपनी के हिस्सेदार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, थोड़ी दूर आगे बढ़ी।
उसकी चाल और कम हो गई, पहले जो धीमे धीमे चल रही थी उससे भी कम चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब बस की जो लाइट है वो धीरे धीरे बुझने लगी, उसकी लाइट ने भी काम करना बंद कर दिया। चांदनी में रास्ता टटोल कर, मतलब चांदनी रात में रास्ता टटोल कर धीरे धीरे अंदाज से वह रेंग रही थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था अंदाज से, आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि मैं दौड़ कर जाऊँ। शायद बस ऐसा ही सोचती कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हमारी अब वो उम्र नहीं रही कि मैं तुम्हारी तरह दौड़ कर जाऊँ, और दूसरी गाड़ियाँ उसको छोड़कर सड़क से निकल जाती। तो ये थी आपकी बस की यात्रा, और इसमें कुछ शब्दार्थ भी हैं, जैसे एकाएक मतलब अचानक, उम्मीद मतलब आशा, रफ्तार मतलब गति, मील 1760 गज की दूरी, और लुभावने मतलब मनमोहक क्या सुंदर, गोता गोता मतलब डुबकी लगाना, तरकीबें मतलब उपाय, क्षीण मतलब कमजोर, दयनीय बेचारी, ग्लानी मतलब खेद, प्राणांत मतलब मरना, बियाबान मीन्स सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रियाक्रम, टटोल कर ढूंढ कर, रेंग मतलब बहुत धीरे धीरे। तो ये थे कुछ शब्दार्थ। अब इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों को भी देख लीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है, बस अचानक रुक क्यों गई? दूसरा प्रश्न है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तीसरा प्रश्न है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? चौथा है, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? और पांचवा है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और एक प्रश्न आपको करने हैं, वो क्या है? ये एक गतिविधि है जिसमें कि लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी उन जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कही गई हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को, मतलब वर्कशीटों अथवा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो आप खोज लेंगे, आपके पास चैप्टर होंगे, आपने किताबें रखी होंगी, आप पूरे चैप्टर से इस तरह के व्यंग्यात्मक वाक्य ढूंढ करके इस जगह पर लिखेंगे, ये आपको करना है। और पांचों प्रश्न के उत्तर मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, बस अचानक रुक क्यों गई? तो इसका उत्तर है, पेट्रोल की टंकी में छेद होने से बस अचानक रुक गई। और दूसरा प्रश्न, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? इसका उत्तर है, लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस जर्जर अवस्था में थी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर है, क्योंकि उसे लगता था कि बस पेड़ से टकरा जाएगी। और चौथा प्रश्न है, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? इसका उत्तर है, लेखक को बस बड़ी दयनीय लग रही थी, उसे लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो और उन्हें ग्लानी हो रही थी, ऐसे वृद्धा पर वह लदकर आ रहे थे, इसलिए लेखक ने उसे बेचारी कहा। प्रश्न पांच है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, बस अचानक खड़ी हो गई थी, अब वह चलने की स्थिति में नहीं थी, उसके सारे पार्ट्स कमजोर हो गए थे, एक एक कर खराब हो रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि बस वृद्धा है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और ये आपने वर्कशीट पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, 500 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।